पार्टी इवॉल्व कर रही है और जैसे पार्टी की एवोल्यूशन होती है, पहले आपकी एक पार्टी थी, फिर आपकी एक पार्लियामेंट्री पार्टी बनी, और वो तजर्बात को सामने रखते हुए, प्रैक्टिकल चीज़ों को सामने रखते हुए ये अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं जो नेशनल काउंसिल ने अप्रूव की हैं, आपने अप्रूव की हैं। इससे हम समझते हैं कि इंशाल्लाह पार्टी पहले से ज़्यादा फंक्शन करेगी, पहले से ज़्यादा फाल होगी। मैं असद उमर साहब सेक्रेटरी जनरल की बात से इत्तफाक करता हूँ कि इमरान खान साहब ने अपनी मेहनत से, अपने विजन से तहरीक इंसाफ का एक वोट बैंक बना लिया है, और इस पर कोई शक नहीं कि आज अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में सबसे मुअसर और इफेक्टिव वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बन चुका है। अब अगली स्टेज जो है वो ये है कि हमने इस वोट बैंक को एक आइडियोलॉजिकल बेयरिंग इसकी दुरुस्त कैसे करनी है, जो कहते हैं विजन, उस वोट बैंक को उस विजन से आपने मुंसलिक कैसे करना है, उसके लिए ट्रेनिंग दरकार है, उसके लिए स्ट्रक्चर दरकार है। इमरान खान साहब हमेशा कहते रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि पार्टी नहीं, एक इंस्टीट्यूशन बने, और इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए ये जो इकदामात आपके सामने रखे गए हैं ये लवाजमात लाजिम हैं, लाजमी हैं।